नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। आज दिल्ली के दौरे पर है सीएम शिवराज। सीएम शिवराज निर्यातकों की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीएम एमपी में गेहूं के निर्यात में वृद्धि पर चर्चा करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित मध्यांचल भवन परिसर में लगाया अशोक का पौधा। इंदौर दौरे पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल के दौरे पर आज दूसरा दिन दाल मिल एग्जीबिशन का करेंगे उद्घाटन। मालवाचक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। सहकारी बैंक की कुनकुरी शाखा का शुभारंभ आज सीएम भूपेश करेंगे। बैंक की कुनकुरी शाखा का शुभारंभ सुबह 11 बजे कुनकुरी शाखा का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। एमपी में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा दिन आज। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके। बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा दिन। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी से कोमल जंगेल प्रत्याशी घोषित। आज नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल। नामांकन के दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में चित्र भाटी के फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कल। अक्षय कुमार करेंगे फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। चित्र भाटी के फिल्म फेस्टिवल का कल होगा उद्घाटन। न्यू माखनलाल कैंपस में होगा फिल्म फेस्टिवल का आगाज। 25 से 27 मार्च को होगी फिल्मों की स्क्रीनिंग। बॉलीवुड के कई दिग्गज करेंगे शिरकत। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स की टीम भी फिल्म फेस्टिवल में होगी शामिल। 25 को भोपाल पहुंचेगी पूरी टीम। नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों से निपटने के लिए बनाए जाएंगे फाइटर टाइगर। युवाओं को फाइटर टाइगर बनाने की तैयारी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुखबिर के तौर तैनात होंगे फाइटर टाइगर। टिंडोरी मंडला और बालाघाट के 500 युवा बनेंगे फाइटर टाइगर। बुधनी में आज से 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीका लगाना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि इसे लेकर बीएमओ ने सभी अशासकीय स्कूलों में भी सूचना दी है, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चे कोरोना का टीका लगवा सके। बीजापुर में चलाए जा रहे हैं माओवादी विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सुरेश काका मड़क्कम हिडमा हुई है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए माओवादी पुलिस पाटे की रैकी कर घटना को अंजाम देते थे, जिन पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को किशनगंज थाना क्षेत्र के गांव पिकडंबर में प्लांट पर बोरिंग को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता उदल सिंह चौहान के बेटे सुजीत की हत्या कर दी गई है, जिससे जिस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार सुबह से ही गुर्जर खेड़ा में आरोपियों के घर तोड़ने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम पवन जैन और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ कार्रवाई स्थल पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के 8 स्टूडेंट्स का चयन संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए हुआ है, जिसे लेकर सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ के चयनित स्टूडेंट्स को बधाई दी है और घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे दिल्ली इंटरव्यू देने जाएंगे।
छह महीने पहले हत्या मामले में शिवपुरी न्यायालय में ने बड़ा फैसला सुनाया और हत्या में आरोपी पति को 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामधर ने की है, वहीं इस मामले पर फैसला जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने सुनाया है। बेमेतरा जिले में प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी। पूरा मामला नवागढ़ ब्लॉक के नागघाट थाना मारो चौकी क्षेत्र का है। दरअसल कथित प्रेमिका की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ हुई थी, इसके बाद उसका आरोपी युवक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। भिंड के लहार में 50 साल के अधेड़े की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। मौके से फरार हुए आरोपी मृतक ने अतिक्रमण के बारे में की थी शिकायत। लहार के वार्ड नंबर 14 का है ये मामला। बलरामपुर जिले के एकमात्र नगर पालिका जिस पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अब यहां नया डगमगाने लगी है। जानकारी के मुताबिक उपाध्यक्ष समेत 14 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाने के बाद सभी पार्षद नजरबंद हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें अपने अपने दावे किए हैं। बालाघाट जिले में नक्सलियों ने बीती रात युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है, साथ ही पर्चा फेंक कर चेतावनी भी दी है। घटना के बाद नक्सलियों की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुखबरी के शक में युवक की हत्या की गई। फिलहाल मामले में अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एक ऐसा वार्ड बॉय सामने आया है जो वार्ड बॉय का काम छोड़ विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर जिला टीकाकरण अधिकारी का सालों से वाहन चालक बना हुआ है। वहीं शासन को दोहरी चपत लगा रहा है। जब वार्ड बॉय से पूछा गया कि आप करते क्या हैं, तो श्रीचंद राम एका अपने आप को कभी चालक बताता है तो कभी जब इस मसले में इंडिया न्यूज की टीम ने टीकाकरण अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उनके बाद इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हो गए जिसमें टीकाकरण अधिकारी अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैतूल में महाराष्ट्र बॉर्डर पर जंगल में भीषण आग लगी है जिसके धुएं के कारण एक कार भी अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि दोनों कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जंगल में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में मामा भांजे के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी मुंह बोली भांजे के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी पीड़िता को उड़ीसा में अकेला छोड़कर फरार भी हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड जिले में पुलिस ने 7 वर्षीय मासूम बालक की हत्या कर खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन में पकड़ा। चचेरा चाचा ही अकेला 7 वर्षीय मासूम का हत्यारा। कार्टून दिखाने के बहाने जंगल में ले जाकर की हत्या। जिले के नया गांव थाना क्षेत्र का है ये मामला। डबरा तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर
खेड़ियापुर गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में रंग पंचमी के दिन हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मेले में पैदल दौड़, साइकिल दौड़, बैलगाड़ी दौड़ और घुड़सवारी दौड़ जैसी स्पर्धा भी रखी जाती है। पीएम मोदी ने बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीरभूम हिंसा मामले में जिंदा जले 8 लोग, मामले में अब तक 23 लोग गिरफ्तार, दहशत में पलायन के लिए लोग मजबूर। आपको बता दें कि मामले में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा और केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है। जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित की गई। यूपी में अंतिम दौरे में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां, कल योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। देश में फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 20,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 367 हो गए हैं, जबकि 79 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 132 नए केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 222 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। वहीं मुंबई में बीते 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डीआरडीओ ने सफल प्रशिक्षण किया है। यूक्रेन रूस में आज युद्ध का 29वां दिन, जेलेंस्की ने दुनिया भर में लोगों से की समर्थन की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस का विरोध करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दुनिया भर के लोगों से अपने शहर या इलाके से यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, साथ ही यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर उसने जल्द ही हथियार नहीं डाले तो अंजाम बुरा होगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में यूक्रेन के लोगों का हर दिन एक नया संघर्ष से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत एक मानवीय सहायता वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन, कीव के शॉपिंग मॉल पर रूस ने की बमबारी, हमले में 6 लोगों की हुई मौत। वहीं रूस ने मारियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि जंग में अब तक रूस के 14,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है, रूस के 476 टैंक तबाह किए जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, रूसी सेना को हम जवाब देते रहेंगे, समझौते के लिए हर कोशिश जारी है। रूसी सेना के हमले से सुमी के एक केमिकल प्लांट में अमोनियम गैस का हुआ लीकेज, प्लांट के 5 किलोमीटर के इलाके को खाली करने के का अलर्ट भी जारी किया।
मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना ने आईपीएल 2022 में बतौर खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। रैना आईपीएल के 15वें सीजन के बतौर हिंदी कमेंटेटर के रूप में दिखाई देंगे। कुछ ही दिनों में शुरू होंगे आईपीएल 2022। साल 2013 से 2021 तक आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में थी। 2022 के आईपीएल में आरसीबी पृथ्वीराज के रिलीज से पहले निर्देशक चंद्र प्रकाश ने हासिल किया बड़ा मुकाम। अपनी फिल्म और टीवी धारावाहिक से लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करने वाले निर्देशक चंद्र प्रकाश को पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अभिनेता अजय देवगन की आगामी फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया। फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन भी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। पहली बार पायलट के किरदार में नजर आएंगे अजय। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के घर जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। आपको बता दें कि सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करके सबको उनकी खुशियों में शामिल होने का मौका दिया।